जय श्री राम। हिम्मत, जोश और साहस के कारक ग्रह मंगल देव, राहु जैसे ग्रह जिनको हम माया का ग्रह कहते हैं, वायु तत्व का ग्रह कहते हैं, उसके साथ मिलकर मीन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं दोनों ग्रह एक साथ। और शास्त्र के अनुसार मंगल और राहु की ये युति अंगारक दोष के नाम से जानी जाती है। अब बृहस्पति की मीन राशि के अंदर मंगल का गोचर 23 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक रहेगा। 40 दिन की ये अवधि मंगल राहु की युति अंगारक योग के साथ गुरु की जल तत्व राशि के अंदर चलेगी। कैसा होगा परिणाम सभी राशियों के लिए, इस वीडियो में खास तौर पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में बहुत अंत तक बने रहिए, जिससे आपसे कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि मंगल राहु की ये स्थिति आपके लिए जीवन में क्या दे सकती है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी है। उपाय इसके सभी के लिए कॉमन ही होंगे, इसलिए उपाय भी आपको शुरुआत में बता दिए जाएंगे और बाद में आपको इसका फलित दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल ग्रह हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, ऐसे ही राहु ग्रह की भी आदत है। राहु को भी उद्दंडता, रूढ़िवादी, निर्भीकता और साहसी ग्रह के लिए जाना जाता है। अब ये दोनों ही ग्रह एक जैसा ही स्वभाव रखते हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाकर कहा गया है अंगारक दोष। ऐसे नहीं कहा गया, जहां मंगल अग्नि है तो राहु वायु है, हवा है, और वायु और हवा और अग्नि इनका संपर्क अगर एक साथ होता है तो अग्नि को ये और अधिक भड़का देते हैं। इसलिए मंगल राहु योग किसी कुंडली के अंदर अगर बन रहा है, अगर वो शुभ स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। और अगर ऐसी अशुभ स्थिति के अंदर बन जाता है, तो ऐसे लोग जीवन में अपनी जिंदगी को अपने आप ही बर्बाद भी कर लेते हैं। इसलिए मंगल राहु एक एनर्जी का एक पुंज है, जो अब मीन राशि के अंदर गोचर करेगा। ये बृहस्पति प्रधान राशि है, और बृहस्पति प्रधान राशि जो मीन राशि है, ये एक जल तत्व की राशि है। यानी बृहस्पति की राशि के अंदर मंगल राहु का जाना, आप ये समझिए, जहां मैंने मंगल राहु को अंगार कहा है, तो वहीं बृहस्पति की मीन राशि एक जलीय तत्व राशि, एक गहराई की राशि, यानी कहीं ना कहीं गुरु की वजह से इस योग के अंदर कुछ ना कुछ डाउन भी देखने को मिलेगा। यानी जैसे ही परिस्थितियां बिगड़ती दिखाई देंगी, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती दिखाई देगी, वैसे ही यहाँ कुछ ना कुछ शांति भी दिखाई देगी, क्योंकि वो गुरु की जल तत्व राशि के अंदर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी राशि के लिए ये जो गोचर होने वाला है, ये कल्याणकारी है या विध्वंसकारी है, कि ये अंगारक योग जरूरी ही नहीं है सभी के लिए शुभ हो या सभी के लिए अशुभ हो। क्योंकि ग्रह दो ग्रह हैं, दोनों विपरीत विचारधारा के हैं, दोनों ही बहुत तेज तर्रार हैं, दोनों की ही स्पीड बहुत ज़्यादा है, दोनों को ही अदम्य साहसी कहा गया है, दोनों ही अग्निकारक हैं। तो इस गोचर से हम कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सावधानी कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले मंगल और राहु इस दौरान खास तौर पे मंगल इस दौरान 3 नक्षत्रों से गुजरते दिखाई देंगे। क्योंकि मंगल क्या है, इस दौरान पूर्वी भाद्रपद, उत्तरी भाद्रपद और रेवती, जो कि मीन राशि के अंदर ये तीनों नक्षत्र आते हैं। अगर आपको मंगल की दशा चल रही है, तो आपका प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि वे गुरु की राशि में गोचर हो रहा है, राहु इसके साथ है, तो मंगल गुरु या राहु से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके ऊपर इस गोचर का प्रभाव ज्यादा होगा। खास तौर पे जिन लोगों की कुंडली के अंदर मीन राशि में प्लैनेट बैठे हैं, क्योंकि मीन राशि में प्लैनेट बैठते हैं पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में, तो उसमें भी पर्टिकुलर कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो भी आपके ऊपर इफेक्ट ज्यादा होगा। खास तौर पे 11 मई से लेकर 23 मई के बीच इनका डिग्री कंजंक्शन होगा। ये लगभग 5 से 7 डिग्री के आसपास होंगे, तो इस दौरान बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जब मंगल राहु की युति बनती है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, डिफेंस के क्षेत्र में है, मेडिकल के फील्ड में है, मशीन से संबंधित कारीगरी करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन यही मंगल राहु का अंगारक योग क्रोध देता है, जल्दबाजी देगा, तुरंत एक्शन लेने के लिए कहेगा। ऐसी स्थिति में बोलचाल पर बहुत संयम रखना चाहिए, आपकी वाणी के अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि वाणी से क्रोध दिखता है। ऐसी स्थिति में कि क्रोध आएगा और वो आपके मुंह से निकलेगा, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को आप बिना वजह वेस्ट भी कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट आपके जीवन में आ सकती है, वो भी इस मंगल राहु की वजह से ही है।
यदि हम उपायों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये युति अगर मंगल राहु की बन रही है तो धैर्यवान हो जाइए। ये सबसे पहली रेमेडी आपके लिए है कि आप धैर्यवान हो जाइए, बहुत धीरे हो जाइए, अपनी गति को स्लो कर दीजिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए, जल्दबाजी से बचिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए बहुत नुकसानदायी हो सकती है। पहली रेमेडी, हनुमान जी की आराधना करना ऐसे में बहुत शुभ है। किसी भी प्रकार से आप सामान्य तौर पर हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो अच्छा है। शिव जी की आराधना करनी ऐसी स्थिति में बहुत बेहतर है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, रुद्राष्टकम का पाठ करें, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें, मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ऐसी स्थिति में आसपास का जो वातावरण है वो डार्क होने से बचें। खासतौर पे अगर व्यक्ति डार्क कपड़े पहनना पसंद करते हो आप, तो इस दौरान किसी भी प्रकार का डार्क कलर का कपड़ा ना पहने, कोशिश करें लाइट से लाइट पहने। भाई नीचे अगर आप किसी प्रकार की जीन्स या पैंट पहनते हैं तो वो डार्क हो सकती है, लेकिन ऊपर का आवरण लाइट ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको विशेष तौर पे रखना होगा। देखते हैं मकर राशि के जातकों के लिए मंगल और राहु की युति जो आपकी राशि से तीसरे घर में बन रही है वो कैसा परिणाम दे सकती है। देखिए, तीसरा घर जो कि हमेशा से छोटी बड़ी यात्राओं के लिए जाना जाता है, ट्रांसफर्स के लिए, परिवर्तन के लिए जाना जाता है। तीसरा घर हमारी हिम्मत का होता है, हमारे भुजा बल का होता है। तीसरा घर हमारी क्रिएटिविटी का होता है, जो काम हम अपने खुद के बल पे करते हैं, जिसको कहते हैं अपने कंधे पर बंदूक रखना कि बस मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, वो तीसरे घर से ही आता है। अब तीसरे घर में मैलेफिक्स प्लैनेट्स हमेशा शुभ रिजल्ट देते हैं। मंगल राहु अगर अंगारा के योग बनाते हैं तो वो तीसरे घर को बली करते हैं, यानी आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं, आपके साथ आपके अंदर पेशेंस लेवल को बेहतर करते हैं। यही मंगल राहु की युति आपको परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देती है। तीसरे घर में मंगल राहु हो तो आप कैसी भी परिस्थिति में फंसे हुए हो वहां पर लड़कर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन मंगल राहु की युति अंगारक योग बनाती है। कहते हैं साहस होना अच्छी बात है, अति साहस होना बुरी बात है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, अति क्रोध से बचना है, अति साहस से बचना है। अपनी एनर्जी को वहां लगाना है जहां जरूरत पड़ रही है। बिना वजह ये दिखाना मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, बढ़ चढ़ के आगे चले गए, लोगों ने आपका फायदा उठा लिया कि आपको तो काम में लगा दिया और अपना काम आराम से बैठ गए, तो क्या करना है, मेहनत वहां करनी है जहां जरूरत है, एग्रेशन वहां दिखाना है जहां जरूरत है, हिम्मत साहस वहां दिखानी है जहां आपको जरूरत लगती है। तीसरे घर में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन सामान्य तौर पर विजय का योग होता है कि ऐसे लोग जीवन में अपनी काबिलियत से आगे बढ़ते। मंगल तीसरे घर में बैठकर देख रहे हैं चौथी दृष्टि से छठे भाव पर, इसका मतलब है शत्रुओं को हराने वाला मंगल, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाने वाला मंगल, साथ ही साथ आपके जीवन में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हेल्प करता है। इसी मंगल की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ती है कि मैं अपनी मेहनत से अपना भाग्य बना दूंगा, और उसी मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कर्म कार्य क्षेत्र के लिए भी अच्छी है कि मैं चाहे टूर ट्रैवलिंग करना पड़े, चाहे यात्रा करनी पड़े, चाहे कितनी भी भागा दौड़ी हो, मैं पीछे नहीं हूं और उससे मुझे रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मंगल लाभ स्थान 11वें घर का मालिक भी है, तीसरे घर में बैठा, इसका मतलब है यात्राओं से फायदा मिलेगा। अगर आप जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, आप ट्रांसफर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ परिवर्तन मेरे जीवन में हो जाए, तो ये 40 दिन आपके लिए बेहतर है। आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि मंगल चौथे घर का मालिक है। चौथा घर क्या होता है, घर के सुख का। जो लोग रेंटल प्रॉपर्टी पे हैं उन लोगों के लिए इस कॉम्बिनेशन में बहुत बार क्या होता है, मकान बदलना पड़ जाता है, जगह बदलना, मकान बदलना, काम करने की जगह बदलना भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है। तो वहीं ट्रांसफरेबल जॉब के नौकरी बदल गई, ट्रांसफर्स हो गया, तो क्या हुआ, मकान भी बदल गया कि भाई नौकरी दूर जगह मिल रही है इसलिए वहां जाकर रहना भी शुरू कर दिया, वो भी इस मंगल राहु के कॉम्बिनेशन से ही आता है। यानी ये मंगल कर्म भी देगा, भाग्य भी देगा, लाभ भी देगा, कर्म भी कराएगा, यात्राएं भी कराएगा, परिवर्तन से लाभ देना, जॉब चेंज देना और जीवन में लगातार आपको आगे बढ़ाना, ये सब इस मंगल की बदौलत है। यानी मंगल राहु अगर तीसरे घर में अंगारक बनाते हैं तो पॉजिटिव कहाँ है और नेगेटिव कहाँ है, ये आपको मैंने समझा दिया है। समझ भी गए होंगे आप उस बात को कि भी हमें अपनी एनर्जी को बचा के रखना, हमें बिना वजह उसको इन्वेस्ट नहीं करना, बिना वजह उसको खर्च नहीं करना, समय आने पर हम पूरी एनर्जी से काम करेंगे और उस काम के अंदर सफल हो जाएंगे। तो ये था मकर राशि के जातकों, मंगल राहु का अंगारक योग तीसरे घर में बनता है तो आपको क्या परिणाम देगा 40 दिनों तक।
जय श्री राम।